हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका बीएनसी न्यूज़ पर। मैं हूँ सिद्धि बरोले, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, क्रिस्टल थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर और ऐसी बहुत सी मेरी हीलिंग मोडालिटीज़ में एक्सपर्टीज़ है। सो आज है 26 मई 2023, तो हम जानेंगे आज नवग्रह का भविष्य क्या है और उस भविष्य के बाद हम जानेंगे कि आपको ऐसी क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए एंटायर डे के लिए, जिससे आज का दिन आपका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। सो अब हम बनाएंगे हमारे प्यारे टैरो कार्ड से कनेक्शन और जानेंगे कि आज का भविष्य क्या है। ओके, टैरो से हमारा कनेक्शन बन चुका है। अभी हम कार्ड्स को स्प्रेड कर देते हैं और देन फिर हम नौ ग्रह की गाइडेंस निकालेंगे। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है, उनका जो ग्रह है वो है सूर्य ग्रह, प्लैनेट सन। जानेंगे कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। ओके, वेरी नाइस कार्ड। सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि आज का एंटायर डे आपने जो भी कुछ सोच के रखा है ना अपने लिए कि आज मैं ऐसे करूँगा या अपने आज का दिन मैं ऐसा बनाने वाला हूँ या ऐसा सक्सेसफुल बनाने करने वाला हूँ, तो उस पर आप उस डायरेक्शन में आके बढ़िए। हो सकता है कि जो आपने सोचा है, जो आपने ड्रीम आज एंटायर डे के लिए देखा है, उसमें आपको लोग आएंगे पीछे से भटकाएंगे कि ऐसे मत करे, वैसे कर ले, ये डिसीजन मत ले, बट उनके डिसीजंस को फॉलो मत करना, अपने डिसीजंस पे जाना, अपने इनर वॉइस को फॉलो करना, क्योंकि आज का पूरा दिन ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत है। तो जो कुछ आपने सोच के रखा है ना उस पर आँख बंद करके भरोसा करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि वो बहुत सही है और आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप कोई फीमेल पर्सन है ना, तो आपको मेल पर्सन का सपोर्ट मिलने वाला है, उनकी बहुत प्यारी गाइडेंस, उनका प्यार, या फिर आपके आज मैरिज के बहुत प्यारे योग बन सकते हैं। और अगर आप कोई मेल पर्सन है, तो आपको कोई फीमेल लाइफ, फीमेल पर्सन, फीमेल सोलमेट आपको मिल सकती है। मैं बोल सकती हूँ कि आपका फीमेल पर्सन का सपोर्ट या गाइडेंस आपको मिल सकता है, या आपकी शादी के योग बन सकते हैं। फिर देखो, वो फीमेल पर्सन ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ पार्टनर, आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी। तो उस पर्सन का आपको सपोर्ट और वो अनकंडीशनल लव ज़रूर मिलेगा। सो इस गाइडेंस को फॉलो करिए। अब नेक्स्ट, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2/11/2029, उनका जो ग्रह है वो है चंद्रमा, प्लैनेट मून। जानेंगे आज का उनका दिन कैसा है। ओके, वेरी नाइस। कार्ड्स कह रहे हैं कि आज आपका पूरा दिन ना सक्सेसफुल रहेगा। कार्ड्स कह रहे हैं कि आज आपको थोड़ा सा ना पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देखिए, हो सकता है कि जो चीज़ें हैं वो आपके मुताबिक जल्दी ना हो, बट होगी ज़रूर। ये तो कन्फर्म है कि आपने जो ड्रीम देखा है ना, जो बहुत टाइम से सोच रहे हो, वो आज ज़रूर पूरा होगा, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है। इसीलिए उस पेशेंस से ना घबराना मत। कभी कभार हमको ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है ना, तो हमारे अंदर एक डाउट आ जाता है, एक सेल्फ डाउट कि पता नहीं वो काम होगा या नहीं होगा, बट पेशेंस रखिए। एंड सेकेंडरी, ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। ब्रेक थ्रू कार्ड कहता है कि कोई इंस्टेंट डिसीजन बना लीजिए। आज के दिन अगर आप कुछ ऐसा डिसीजन लेते हो जो आपके लाइफ में एक सक्सेस क्रिएट करेगा, एक सक्सेस को कनेक्ट करेगा, तो वो डिसीजंस बिना डिले करे उसे बना लीजिए, क्योंकि उससे आपका गुड लक इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 3/12/21/30, उनका जो ग्रह है वो है बृहस्पति, प्लैनेट जुपिटर। जानेंगे आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। ओके, बृहस्पति वालों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आज का पूरा दिन ना, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़े से इश्यूज आए, आप जो चाह रहे हो उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी सहमति से चीज़ों को समझा लिया, सुलझा लिया, एक मैच्योरिटी इंक्रीज करके, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा के चीज़ों को कनेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं आज आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आप, हो सकता है कि सेम लेवल पे काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपने वो अंडरस्टैंडिंग को कनेक्ट किया ना, तो आज आप एक लेवल अप जा सकते हो। तो उस अंडरस्टैंडिंग से कनेक्ट हुई है। दूसरी बात, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए। कभी भी डाउट मत रखिए लाइफ में कि क्या होगा, कैसे होगा। अगर आपने ट्रस्ट बना के रखा, भरोसा रखा ना, तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से होगी। सो गो विद द फ्लो। अब नेक्स्ट, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 4/13/22/31, उनका जो ग्रह है वो है राहु।
तो जानेंगे कि राहु ग्रह वालों के लिए आज का जो दिन है वो कैसा रहने वाला है। ओके, वेरी नाइस। आज का दिन आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। इवन आज का एंटायर डे आपका इम्प्रूवमेंट भरा होगा। इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि पास्ट के कुछ दिनों से आपकी ग्रोथ रुक गई है, बहुत टाइम से आप चाह रहे हो कि आप जो डिज़र्व करते हो वो ग्रोथ हो, बट वो ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन आज का पूरा दिन ना आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि फ्लावरिंग कार्ड ये कहता है कि एक सीड जब धीरे 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 फ्लावर में कन्वर्ट हो सकता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो सकता है, तो आप आज की ग्रोथ, आपकी ग्रोथ भी धीरे धीरे ऐसे ही ग्रो करेगी। दूसरी बात, आज आपका टाइम थोड़ा सा ना नेचर से भरा हो सकता है, मतलब नेचर में आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, हरियाली वाली जगह पर जा सकते हो, आउट ऑफ जा सकते हो, वैकेशंस पे जा सकते हो, हिल स्टेशन भी जा सकते हो, तो नेचर से आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी महसूस होगी। और अगर ऐसे योग आपके नहीं बन रहे तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद नेचर में जाइए और नेचर से कनेक्ट होइए। अब नेक्स्ट, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 5/14/23, जानेंगे उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्योंकि उनका जो ग्रह है वो है बुध, प्लैनेट मर्क्यूरी। ओके, वेरी नाइस कार्ड्स। मैं बोलना चाहती हूँ मर्क्यूरी वालों को कि आज ना ईश्वर की ब्लेसिंग उनके ऊपर बहुत है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग, और कहीं ना आज आपकी कोई विश है जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हुई है और वो आज पूरी होने वाली है, क्योंकि आज आपके एक बहुत प्यारे योग बन रहे हैं विश फुलफिलमेंट के। तो जो भी इच्छा आपके दिमाग में है ना उसको अच्छे से मैनिफेस्ट करिए। नाउ व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन? इच्छा को पूरी करना। मैनिफेस्ट आप कैसे करोगे ना, माइंड में एफर्मेशंस बोलो कि मेरी ये जो इच्छा है वो पूरी हो रही है। ऐसे एफर्मेशंस बोलने पे ना योग बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा हिम्मत रखिए। ऐसा नहीं है कि अभी पास्ट में आपको सक्सेस नहीं मिली है तो आगे भी नहीं मिलेगी। थोड़ा सा हिम्मत का लेवल बनाइए, लाइक जैसे दो स्टोन्स के बीच में से भी एक प्लांट ग्रो कर जाता है तो वो भी हिम्मत से ग्रो होता है ना, बस उस लेवल की हिम्मत, थोड़ा सा हिम्मत का लेवल बढ़ा दिया तो चीज़ें ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी। अब जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6/15/24, उनका जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह, जानेंगे प्लैनेट वीनस का आज का दिन कैसा रहने वाला है। ओके, वेरी नाइस। आज आपके जो एंटायर डे ना, आज आपकी क्रिएटिविटी बहुत निखर के आने वाली है। क्रिएटिविटी आपके अंदर ऑलरेडी बहुत है, मतलब चीज़ों को जो करने का जो तरीका है ना वो सबसे अलग है। आप बहुत डीपली, बहुत बारीकी से चीज़ों को सोचते हो और कहीं ना कहीं इतनी गहराई से कोई नहीं सोच पाता है। तो आज आपकी ना क्रिएटिविटी बहुत इंक्रीज होगी, अपने आप को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर। दूसरी बात, आपको पास्ट में ना अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी एक्सपीरियंस भी बहुत है, मतलब आपका एक्सपीरियंस औरों से बहुत अलग, बहुत ऊपर है। तो इस एक्सपीरियंस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जिससे आप बहुत आगे तक अच्छे से जाओगे और आपको एक सफलता मिलेगी। तो क्रिएटिविटी को निखारिए, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। जिस भी काम में आपका इंटरेस्ट है ना, अपना माइंड उसी में लगाइए, जिससे आपके अंदर की एक पॉजिटिविटी और निखर के आए। अब नेक्स्ट, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 7/16/25, उनका जो ग्रह है वो है केतु, जानेंगे आज केतु ग्रह वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। ओके, केतु ग्रह वालों के लिए बोलना चाहती हूँ कि पास्ट के बारे में आप ज़्यादा सोच सकते हैं। पास्ट की कुछ चीज़ें जो दिमाग में आज ज़्यादा आ सकती है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि कुछ रिग्रेट, कुछ किसी प्रकार का गिल्ट, या पास्ट में कुछ चीज़ करना चाहते थे बट हो नहीं पाया, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, बट मैं चाहती हूँ उसे लेट गो कर दीजिए। फोकस ऑन योर प्रेजेंट, क्योंकि हमारा जो ब्राइट फ्यूचर है ना वो वेट कर रहा है। सो जस्ट फोकस ऑन योर प्रेजेंट। एंड दूसरी बात ये है कि आज आप दो ऑप्शंस में ना कंफ्यूज हो सकते हो कि ए ऑप्शन को सिलेक्ट करूँ या बी में, मतलब दो डिसीजंस में आप कंफ्यूज आज होंगे। तो जिसमें भी रिस्क फैक्टर कम हो, जिसमें भी रिस्क कम हो, आपको समझ में तो आ ही जाएगा कि यार इस ऑप्शन में ना रिस्क कम लग रही है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है उसी को सिलेक्ट करना, तो आगे आपका एक गुड लक मेंटेन होगा। अब जिनका डेट ऑफ बर्थ है 8/17/26, उनका जो ग्रह है वो है शनि ग्रह, जानेंगे शनि ग्रह वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। ओके, शनि ग्रह वालों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा ना पास्ट और फ्यूचर के बीच में ना ऐसे लटक गए, मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें देखो पास्ट का भी टेंशन है या फिर फ्यूचर का भी चिंता है। तो ये पास्ट और फ्यूचर को आपको थोड़ा हटाना है दिमाग से और फोकस करना है अपने प्रेजेंट में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है एंजाइटी या स्ट्रेस की, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए ओवरथिंकिंग रही तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दूसरी बात, पार्टिसिपेशन, आज बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है आपकी लाइफ में, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ पर ना जंप कर जाना, जंप इन द सेंस उस अपॉर्चुनिटी को ले लेना, डिले मत करना कि ये सोच के अरे यार
पता नहीं इससे मेरा फ़ायदा होगा या नहीं होगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। जितनी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएगी ना, वो एक गुड लक लाएगी, तो उस पर जाइए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जिनका डेट ऑफ बर्थ है 9/18/27, उनका जो ग्रह है वो है मार्स, मंगल ग्रह। जानेंगे मंगल ग्रह वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। ओके, मंगल ग्रह वालों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आज का एंटायर डे हो सकता है कि कुछ डिस्टर्बेंस लाइफ में चल रहे हैं, तो खुद में ही रहना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं, मतलब खुद ही में रहना, दूसरों की ना सुनना, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स की नहीं सुनना, तो ये प्रॉब्लम ना आपके साथ हो सकती है। तो बेटर है कि थोड़ा सा शेयरिंग, मन में चीज़ों को मत रखो, इससे प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगी। सो स्टार्ट शेयरिंग अपने किसी भी ऐसे पर्सन को जो आप जिसको ज़्यादा अपना समझते हो, उससे शेयरिंग करना शुरू करो, मन की बातें बोलना शुरू कर दो, जिससे आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिले। एंड दूसरी बात कि आपके पास ना ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत कुछ है, बट पता है आपके दिमाग में ना एक नेगेटिव थॉट है कि यार भगवान ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, इसे आप प्लीज़ लेट गो कर दो, इसे सरेंडर कर दो, अपने भगवान को दे दो। तो ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना पड़ेगा। अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा फील हो रही है तो आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको पर्सनल कंसल्टेंसी और गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है, मुझे वहाँ से जाके फॉलो भी कर सकते हैं। सो ये थी हमारी नवग्रह की बहुत ही एनर्जेटिक गाइडेंस। कल मिलेंगे हम ठीक मॉर्निंग 7:30, तब तक के लिए देखते रहिए BNC News। नमस्कार।